और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं खंडवा, मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। कोई भी अरे उसके उसको जेल भिजवा दूंगा, चिंता मत करो। ऐसा था कि उन्नीस जो 15-16 महीना में बिगड़ गए होंगे, बीच में कोरोना में लग गया था, मामा कीड़ा पार दूंगा, चिंता काय को कर रहे हो, जेल जाएंगे, कोई बचेगा थोड़ी। सुंदर काका सुंदर व्यवस्था होगी, अब कोरोना हट गया है, मामा निकल पड़ा मैदान में डंडा लेके, चिंता मत करो। और इसलिए हर गरीब जिसका नाम नहीं जुड़ा नाम जुड़े, और ये हमारी सरकार का संकल्प है कि सबको एक एक साल में नहीं दे पाएंगे, हम झूठ नहीं बोलते भैया। मान लीजिए आप 50,000 नाम जुड़े खंडवा जिले में, तो पहले साल देंगे 15-20 हजार को, दूसरे साल 15-20 हजार, तीसरे साल 15-20 हजार, 3 साल में मामला बराबर कर देंगे, 1 साल में नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़ा ना हो छोटा तो हो, लेकिन पक्का तो हो। गरीब के भी बच्चे होते हैं, उनकी आंखों में भी सपने रहते हैं, उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए हम इस योजना पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग केवल गाली देते हैं, भारतीय जनता पार्टी काम करती है। एक और योजना आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, आयुष्मान भारत योजना में 60% पैसा दिल्ली देगी, 40% पैसा हम देंगे। आयुष्मान कार्ड बन गए होंगे, बने कि नहीं बने आयुष्मान कार्ड? नहीं कहीं के बने होंगे, कोई रह गया हो तो और बनवा लेना भैया। आयुष्मान कार्ड जिसके पास होगा, भगवान करे वो बीमार ना हो, कोई को बीमार नहीं होना चाहिए लेकिन होते हैं फिर भी, तो फिर सरकारी अस्पताल में तो इलाज निःशुल्क होगा, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का हर साल इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा। किडनी हार्ट अलग अलग बीमारियां चल रही, कहां जाएगा सामान्य आदमी भी, छोटा किसान भी। इसलिए संबल ये आयुष्मान कार्ड की योजना और रोजगार के लिए, मेरे बहनों और भाइयों 1 लाख नौकरियां अभी हम कर चुके हैं, 38,000 भर्ती शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, इस साल 1 लाख पदों पर हम भर्ती करेंगे, 1 लाख पदों पर। लेकिन केवल सरकारी नौकरी में सब नहीं लग पाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री युवा क्रांति उद्यम क्रांति योजना, जिसमें बच्चों को लोन मिले, जिसकी गारंटी भी मामा लेगा, ब्याज की सब्सिडी भी देगा, ताकि बाकी काम धंधे चालू कर सके। और एक स्ट्रीट वेंडर की योजना, मेरे छोटे छोटे व्यापारी भाइयों, छोटा मोटा काम धंधा शुरू करना है, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, अलग अलग छोटा छोटा व्यवसाय करने वालों, स्व सहायता समूह की बहनों, 10,000 रुपया बिना ब्याज का हमारी सरकार की गारंटी पे दिया जाएगा। और 10,000 अगर साल भर में वापस कर दिया तो अगले साल 20,000, वो वापस किया तो फिर 50,000 काम धंधे से लगाएंगे। एक ने ऐसी अनेकों चीजें, समय मुझे ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं दे रहा। यहां मुझे बताया कि अतुल प्रजापति यहीं का है, IIT कर रहे हैं, हो गया है, और फीस मामा ने भरी थी, 6 लाख रुपया फीस भरी थी, अब 1 लाख रुपया प्रतिमाह की नौकरी लग गई। मैं चाहता हूं एक नहीं अनेकों बच्चे ऐसे हो, मेरे बच्चों की आंखों में आंसू ना रहे, उनके बेहतर भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए हम काम कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी बदलना हमारा लक्ष्य, और आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, 15 महीना आपने उनको भी देख लिया, वो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं आए। अरे पैसे ही नहीं है तो मुख्यमंत्री काहे बन गए, कोई आज उतार दे कौन, रोते ही रहते थे, कोई जाते थे ये हरदीप रंग होते ही थे, क्या हाल था कमलनाथ जी के सर, जब भी जाते थे कोई काम भी कहते थे तो वो कहते थे चलो 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 चलो। हरदीप ने भी एक दिन कह दिया कि तुम भी चलो 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 चलो, हम तो मामा के संग चले।
छोड़ दी कांग्रेस, विधायकी से इस्तीफा दिया और फिर से चुनाव लड़के जब कांग्रेस में थे तब तो कितने से जीते थे? 350 वोट। और अब कितने से जीते? 350 से जीते थे जब कांग्रेस में थे, अब 30,000 वोटों से उपचुनाव में जीत कर फिर से आए और बेहतर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, लोगों का भाग्य और भविष्य बनाने के लिए सरकार, ये चुनाव हम सबके लिए बहुत सुखद नहीं है। नंदू भैया, अभी हम ब्रिज के नीचे से निकल के आए, जब पहले सांसद थे तब ओवर ब्रिज का काम शुरू हुआ था, फ्लाईओवर का, और कांग्रेस के सांसद आ गया तो काम बंद। बोलो सही बात है कि नहीं? काम बंद। और जब नंदू भैया दोबारा आए तो फिर काम चालू, अब जब कांग्रेस आती तो काम बंद और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो काम चालू। ये जावर से आड़ा में भी काम कुछ कर, मुझे बताया धीमा चल रहा है, अब लगातार समीक्षा करके तेजी से पूरा किया जाएगा। मैं आप सबसे यही अपील करता हूं, ये 2 साल का चुनाव, वैसे तो आपका आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि यहां की जनता काम करने वाले को ही प्यार करती है, काम करने वाले को प्यार करती है।